नमस्कार दोस्तों, ऐसे स्थिति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक ऐसे ट्रिक बताने वाला हूँ जो कि डेस्कटॉप कंप्यूटर यूजर्स वालों के लिए काफ़ी यूजफुल होगी। आप अगर विंडोज 10 यूज़र हैं और डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं, आपको बेसिकली ये पता होगा कि जो ब्राइटनेस स्लाइडर है वो नहीं मिलता डेस्कटॉप में, एंड आपको अपनी स्क्रीन से डिस्प्ले मॉनिटर के थ्रू अपने ब्राइटनेस को एडजस्ट करना पड़ता होगा। तो आज मैं एक ऐसे ट्रिक लाया हूँ जिसके थ्रू अपने स्क्रीन को डिम कर सकते हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। डिस्क्रिप्शन में गिवन लिंक पे आपको क्लिक करना पड़ेगा डाउनलोड के लिए, या तो आप चाहे गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं टीम स्क्रीन। ठीक है, डाउनलोड होने के बाद आपको कुछ ऐसा एप्लीकेशन मिलेगा, ठीक है, उसको आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं जो मेरा स्क्रीन है वो डिम हो चुका है। आप कुछ डिम स्क्रीन के फंक्शंस को चेकआउट कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहले आपको टास्क बार में डिम स्क्रीन का आइकन दिख जाएगा, यहाँ पे इसको आपको राइट क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सेटिंग्स, एग्जिट एंड कुछ परसेंटेजेस मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे परसेंटेजेस देख लेते हैं। अगर आप यहाँ पे 90% पे कर देते हैं तो आपका जो स्क्रीन का डिमनेस है वो काफ़ी हाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 0% पे करने में आपका जो स्क्रीन का ओरिजिनल ब्राइटनेस है वो वापस आ जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो एग्जिट भी कर सकते हैं या 0 भी कर सकते हैं, बात एक ही है। ठीक है, अब चलते हैं सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आ जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ ऑप्शन है। यहाँ पे स्टार्टअप डिम, मतलब जब भी आप इस एप्लीकेशन को दोबारा ओपन करेंगे तो आपको कितना परसेंट डिमनेस चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 50% दे रखा, तो मैं यहाँ पे 40% अपना कर देता हूँ। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंगली भी कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ इंक्रीज एंड डिक्रीज हॉट कीज है, मतलब आप कौन सा शॉर्टकट कीबोर्ड शॉर्टकट की यहाँ पे लगाना चाहते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कंट्रोल प्लस, यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल प्लस आई सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, और इंक्रीज एंड डिक्रीज के लिए मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस डी सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे ओके क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक फाइल आ जाएगा डिम स्क्रीन का, जो कि फाइल है जिसमें आप जो भी सेटिंग्स को सेव किया वो इसमें स्टोर है। ठीक है, तो आप इसको अपनी सी ड्राइव में या कहीं पर भी स्टोर कर सकते हैं। तो अभी एक बार शॉर्टकट की इसको चेक कर लेते कि वो वर्क कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो मैं कंट्रोल प्लस आई दबाऊंगा तो डिमनेस इंक्रीज होनी चाहिए। ठीक है, कंट्रोल प्लस आई तो हमारे मेथड वर्क कर रहे हैं, देन कंट्रोल प्लस डी डिक्रीज होनी चाहिए डिमनेस। ठीक है, तो डैट मीन्स हमारा जो मेथड है वो वर्क कर रहा है। ठीक है, सो आई होप फ्रेंड्स आपको इन्फॉर्मेशन काफ़ी यूजफुल लगी होगी। यूजफुल लगी है तो वीडियो को जरूर से लाइक करिए, चैनल पर नए हैं एंड सब्सक्राइब नहीं किया यार अभी तक, करो ना सब्सक्राइब। सो टिल देन, गुड बाय।